Emergency, emergency. Mayday, mayday. सभी यात्री ध्यान दें। अब हम आपको दूसरे प्लेन में पहुंचाने वाले हैं। जरूरी सामान साथ लें, गर्म कपड़े पहन लें। अगर आपके पास कोई क्रीम या जेल है तो उसे अपने हाथों पर और चेहरे पर लगा लें। कौन है अमर्त्या राव? कैसा होगा फिल्म में इनका किरदार? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अपकमिंग फिल्म मेडे में अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली में रिलीज हो रही है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बधाई हो फेम अमित रविंद्रनाथ शर्मा और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं जी स्टूडियोज और बोनी कपूर। 1951 के एशियन गेम में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। रहीम का करियर सर्वोच्च शिखर पर था जब भारतीय टीम 1960 ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। हालांकि सेमीफाइनल में टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम का उत्साह देखने लायक था। इसके बाद साल 1962 के एशियन वर्ल्ड कप में भारत टीम ने गोल्ड मेडल जीता। ऐसे में फिल्म की कहानी वैसे तो सैयद अब्दुल रहीम की स्टोरी पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी इसमें एक और किरदार काफी अहम भूमिका निभाने वाला है जिसका नाम है अमर्त्या राय। इस फिल्म में फुटबॉल टीम के कैप्टन की भूमिका काफी अहम होने वाली है और उनका किरदार जिनका नाम है चुन्नी यानी किरदार अमर्त्या इस फिल्म में निभाते दिखेंगे। अजय जो अपनी हर फिल्म में दमदार एक्शन दिखाते नजर आते हैं, लेकिन इस फिल्म में चुन्नी का किरदार काफी अलग है और अहम होने वाला है जो कहीं ना कहीं सिंघम की दहाड़ पर रोक लगा सकता है। 15 जनवरी 1938 को बंगाल के किशोर नगर जिले में जन्मे कुविमल गोस्वामी को चुन्नी गोस्वामी के नाम से जाना जाता था। वो भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे। स्ट्राइकर के रूप में उन्होंने 50 अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और बंगाल के लिए उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेली थी। असल में वो काफी बुद्धिमान भी थे, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए एक तरफ पूरा देश घरों के अंदर सिमटा हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मशहूर फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया था और उस समय वो 82 वर्ष के थे। कहा जाता है कि फुटबॉल मैच में इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण और देखने लायक था। अब ऐसे में इतने महान किरदार को बड़े पर्दे पर दिखाने का जिम्मा लिया है मार्ते रेनी ने। मार्ते पहले भी कुछ फिल्में कर चुके हैं जैसे उरोन चौंदी, मारदुनार, 22 यार्ड्स, लेकिन उनके करियर की असली उड़ान बनेगी आने वाली ये फिल्म। ऐसे में अजय के किरदार को एक बड़ी टक्कर दे सकता है अमर्त्या रे का ये किरदार। तो देखना मजेदार होगा कि क्या इस बार अजय पूरी तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं या नहीं। इसी के साथ मैं रोहित नारवारा लेता हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अजय को अमर्त्या देंगे टक्कर। धन्यवाद।